आज नए साल का पहला दिन है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नए साल की शुरुआत एक धार्मिक तरीके से हम करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें इस पर मजबूर कर देती है क्योंकि हमारी संस्कृति ही कुछ ऐसी है। तो नए साल की शुरुआत जो है हमने आज गणेश टेकड़ी जो काफ़ी जाना माना मंदिर है वहाँ से की है। आप देख सकते हैं कि शुरुआत जो है बहुत आनंदमय प्रसन्न वातावरण से हुआ है क्योंकि श्रद्धालु जो है नए साल का स्वागत भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ ही करते हैं। तो हम उसी सिलसिले में आज यहाँ मौजूद है और पूछते हैं हमारे दर्शकों से, हमारे भक्तों से कि उनका नया साल जो है उन्होंने नए साल के लिए क्या मनोकामना की है और उनका नया साल कैसे वो बिताने वाले हैं। जैसे कि आज नए साल का पहला दिन है और नए साल में होता है कि एक एक्साइटमेंट होती है कि हमारा मतलब आप एक मनोकामनाएं करती है, हमारी जो मनोकामना होती है हम उसे करने के लिए मंदिर पहुंचते। तो आपका क्या मनोकामना आपने की है कि नए साल की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? हमने गणपति बाप्पा को ये बोला है कि आने वाला जो साल है 2022 ये सभी के लिए सुख और समृद्धि भरा रहे, बस यही हमने प्रेयर किया है आज। आपको क्या लगता है कि नए साल, क्योंकि कोविड का जो है, कोविड जो मरीज है कल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, कोविड की संख्या 90 तक पहुंच गई है, तो नए साल का आखिरी दिन भी, मतलब जो पुराने साल का आखिरी दिन भी ऐसा था कि उसमें हमने 90 पेशेंट्स जो है सामने आए हैं, तो आपकी नए साल में आज के दिन वापस है क्या मनोकामना आपने की है और ये नया साल कैसा बीतना चाहिए? हम तो गणेश जी के मंदिर इसीलिए आए थे कि कोविड है यहाँ से ख़त्म हो जाए और सब अच्छे, यानी अच्छे से रहे, यही कामना करते हैं। आप नए साल को किस तरीके से देखते हैं? नए साल में जो अभी ये कोविड का जो सिचुएशन शुरू है वो इस बार ख़त्म हो जाए, सब अच्छे से रहे, बहुत सारी फैमिलियों पे कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए वो नहीं आने चाहिए और नया साल अच्छा जाना चाहिए सबके लिए, बस इसलिए वो मंदिर में गणपति बाप्पा। नए साल में जैसे कोविड फिर बढ़ गया है, कोविड की नज़र जो है वो हर तरीके से लग चुकी है, अपने त्यौहार हो चाहे नया साल हो, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे क्योंकि कोविड का संक्रमण फिर बढ़ गया है, एक ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, तो फिर भी लोग लापरवाही बरतते हैं, तो आप हमारे माध्यम से क्या मैसेज? यही बोलूँगी कि हम जहाँ भी जा रहे हैं प्रिकॉशंस ले बस, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे ही हाथ में हैं, हम प्रिकॉशंस ले तो हम कोरोना को कभी भी भगा सकते हैं। गणपति बाप्पा। मैं सभी भक्तजनों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि आप गणेश जी के ऊपर जितनी श्रद्धा रख रहे हो उतना ही अपने सरकार पे श्रद्धा रखिए, क्योंकि अपने यहाँ कोरोना महामारी ये ऐसी फैल चुकी है ये आप सभी जानते हैं, देश विदेशों में क्या हाल चल रहा है ये भी आप सब जानते हैं, फिर भी मैं जनता से ये गुजारिश करूँगा कि आप सरकार के ऊपर निर्भर ना रहते हुए अपना भी कुछ दायित्व पूरा करें, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ कि ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, बहुत से लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं और यहाँ की स्थिति बहुत अलग है, तो मैं जनता से ये अपील करूँगा कि सरकार के ऊपर निर्भर मत रहिए, अपना दायित्व अपना खुद देखिए कि ये सब गाइडलाइंस जो पालन लगाए हैं सरकार ने उस गाइडलाइंस का पालन करो ताकि अपनी इन महामारी से अपन ही आप कैसे मुक्त होंगे इसका रास्ता अपने को खुद को निकालना है, सरकार के ऊपर निर्भर न रहे और भगवान की आराधना करके इन सभी भक्तों ने ये गुजारिश करें भगवान से कि भैया इस देश से और पूरे विश्व से कोरोना महामारी मुक्त हो, बस इतना ही कहूँगा। तो होना चाहिए नया साल और सबका अच्छा जाए, जो दो साल से लोग परेशान हो गए तो ये सबकी परेशानियां दूर हो जाए, क्योंकि लोग सब चीज़ों से त्रस्त हो चुके हैं।
आपको क्या लगता है, नया साल आज शुरुआत हो चुकी है नए साल की, तो हम नए साल को किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस नज़रिए से देखना चाहिए कि जैसे कि सबका भला हो और सबका उद्देश्य जो भी हो सबका पूर्ण हो, बस गणपति बापा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नए साल को पहले से अच्छा जाए, यही नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, पॉजिटिव होप्स के साथ, और जाएगा, पक्का जाएगा, क्योंकि दो साल ऐसे गए, इसके बाद वाला तो तीन तिगाड़ा तो करने नहीं वाले, इसलिए हम पॉजिटिव होप्स से ही देख रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। आप क्या कहना चाहते हो, आपने गणपति पापा से क्या मनोकामना की नए साल के लिए? गणपति पापा से ये मनोकामना की कि इस वर्ष का दिन अच्छा जाए, एवं जो अपना कोरोना का है कारण भीड़ तो ज़्यादा दिख रही है अपने, लेकिन सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के नहीं रखे, लेकिन मास्क सभी लोग लगा के रखे। लेकिन आपने मास्क नहीं लगाए। मैम सॉरी, मैं लगा लेता मास्क और बढ़िया गया। इस वर्ष का नया साल भी अच्छा गया अपना, अच्छे से निपट रहा है, अगले वर्ष अच्छा ही जाए, भगवान गणेश जी से ऐसी शुभकामना है। आप बच्चा पार्टी लोग गणपति पप्पा से क्या मनोकामना करने आए हो, क्योंकि नए साल की शुरुआत आज हो चुकी है? हम पप्पा से यही कामना करते हैं कि हमारा साल बहुत अच्छे से जाए, पूरा मतलब जोशीलापन अच्छे से जाए साल, यही विनती करते हैं पप्पा। और स्कूल भी शुरू हो जाए क्यों? हाँ, हो गई 3 तारीख, कोरोना को भगाए। बोर हो गए हो घर में रह रहे? हाँ, बहुत बोर हो गए। हम यह चाहते हैं कि हर किसी का दिन अच्छा जाए, यह साल के साथ साल की नई शुरुआत, हर किसी का दिन नया हो। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दर्शक कितने ज़्यादा खुश हैं और बहुत खुशियों से आज का दिन जो है गुजार रहे हैं। धार्मिक स्थल पे जो हमारे दर्शक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी खुशियां जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। आप आज गणेश मंदिर में आए हो, नए साल की शुरुआत है, तो आप आज पापा से क्या मनोकामना करने वाले? आज मेरा सबसे पहली बात तो है कि मेरा बर्थडे है। अरे वाह, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं वीकेबी की तरफ से। मैं इसलिए आई है कि मेरा बर्थडे है आज, मेरी विशेष ये है कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, सब भगवान का मेरा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए मैं आई हूँ। आपके साथ और कोई आया है? मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा है। आज आपके वाइफ का जन्मदिन है, तो आज साथ साथ आज 1 तारीख भी है, नए साल की शुरुआत है, तो आज पापा से आपने क्या क्या दुआएं मांगी? पापा से मैंने यही दुआ मांगी कि बस सबको खुश रखें, और जो महामारी जो आ रही है वो मुक्त हो जाए सभी उसमें से, और सब खुश रहे। अभी नया साल है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद मंदिर का दर्शन हुआ है, और मैं यही चाहती हूँ कि सबका ये साल बहुत खुशी से जाए, मेरी बस यही मनोकामना है। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ आराम से आंटी जी बैठे हैं, हम आंटी जी से ज़रूर जानना चाहेंगी कि नए साल की शुरुआत आंटी जी किस तरीके से करने वाले? गणपति से करती हूँ हर साल। क्या मनोकामनाएं की इस साल आपने? सब सुखी रखे और सबका कोरोना नहीं होना चाहिए, सब अच्छी तरह से आनंद से जीवन जगे। हाँ, यही कि जो वायरस है बेसिकली चले जाए ताकि सब कुछ नॉर्मल हो, अभी यही बोलेंगे हम भगवान से। तो और आपने कुछ स्पेशल मांगा है कि नहीं है, क्योंकि 2 साल से कोविड की नज़र तो लगी हुई है, पीछे तो कोविड पड़ा हुआ है। आई थिंक कोविड का सिचुएशन सॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो लाइफ अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगी। काफ़ी सारे क्राइसिस हमारे जो हम लोग डील कर रहे हैं उससे भी हम लोग बाहर आ जाएंगे, तो आई थिंक मेनली यही सारी चीज़, एक बार कोविड चला जाएगा तो बेटर हो जाएगा आई फील। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि कोविड से जो है एजुकेशन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, कहीं ना कहीं हर चीज़ों पे बुरा असर पड़ा है कोविड की वजह से, तो हम भी पापा से यही मनोकामना करते हैं कि कोविड काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाए। बॉस, कोविड जो है अभी भी गया नहीं, और आज फिर से कल उसने 90 लोगों को पॉजिटिव कर दिया है, तो कोविड को आप क्या मैसेज, बुरा मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है? मुझे कोविड से तो नफरत हो चुकी है, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया दुख, हाँ बहुत ज़्यादा, जैसे स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कि हमारी स्कूल बंद हो गई थी बीच में, और अभी मेरा 10th का साल है, तो फिर उस पर तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो कोरोना चले जाए बस यही दुआ करती हूँ। आपको क्या लगता है, कोविड वापस से आप मनोकामना ये करना है कि कोविड चले जाए, तो आपको लगता है कि कोविड चले जाएगा? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि अभी कोविड पेशेंट्स भी आ रहे हैं, तो लगता है कि मतलब कोरोना इससे बढ़ सकता है, तो लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मतलब हमें ही परेशानी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए लोगों को।
एग्जैक्टली आपने एकदम सही कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापरवाही बरतते हैं। तो दूर रहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, कोरोना से बचना चाहिए भैया, बता नहीं सकते कब क्या हो जाएगा। पापा से क्या मांगने आए हो? बस पापा को नया साल अच्छे से जाने दो बाबा, और कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है बस तुम ही है मेरे लिए बाबा। उसे वही विनती करने हैं अपन के पापा, जैसी अभी दो साल निकले वैसे ही अपने हिसाब से अच्छे से निकालो इसको भी, और इसको खत्म करो, बाकी दूसरा कुछ नहीं। कोविड प्रोटोकॉल जो प्रशासन लगाते जा रहा है कहीं ना कहीं निर्बंध लागू होते जा रहे हैं, तो क्या आप प्रशासन के साथ हो इस वक्त? नहीं, प्रशासन के साथ तो रहना पड़ेगा मैम, लेकिन प्रशासन इधर भी नहीं सोच रहा है कि जिसके खाने पीने के वादे हो रहे उसके बारे में कैसा करें। ठीक है, पैसे वाले पैसा कमा रहे हैं, और बाकी जो साधारण मध्यम वर्गीय है वो तो और ही नीचे जा रहा है ना, क्योंकि दो साल से उसका इनकम अब सोर्स बंद है, धंधे पानी है ही नहीं लोगों के पास में, मार्केट भी सोया पड़ा है। तो पापा से वही विनती कि सबको अच्छे से रखे, आने वाले साल भरे में कोरोना नष्ट हो जाए और हम भी सुख शांति से रह सके, बस बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले तो नमस्ते, आज दिन की शुरुआत हुई है, काफी अच्छी हुई है, एक तारीख है, शुभ दिन है आज का दिन। हम गणेश जी से प्रार्थना करने आए हैं, तो आपने अपनी प्रार्थना में लोगों के लिए क्या मांगा? मैंने तो ये कोरोना जाने के लिए मांगा बेटा, किसी को कुछ हानि ना हो, बस देश के लिए मांगा कि बीमारी को भगा दे और किसी को कुछ जीवन की हानि ना हो, बस। और क्या कहना चाहोगे आज लोगों को, जो लोग कहीं ना कहीं सुनते भी नहीं है, आंटी जी दादी जी लोग सुनते भी नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को क्या बताना चाहोगे? क्या बताए बेटा, वो सुनते ही नहीं तो क्या बताएंगे अपन, वो कभी सुनते ही नहीं, वो तो और किसी को मारना किसी को ठोकना यही करेंगे, नहीं सुनते। नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्या मैसेज देंगे, अभी ये बीमारी चल रही है, मैसेज आप क्या? नहीं, बीमारी चल रही तो बीमारी को जाना चाहिए, और ये मुँह को वगैरह अपने हाथ पाथ धोना, ये सब साफ सफाई करना ये जरूरी है, ये भी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि नए साल की शुरुआत हो गई है लेकिन कोविड का डर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, हम दो साल से मनोकामना कर करके हम लोग जो है हारते जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें कोविड को हराना है, और कोविड को हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए आप बताइए? हम मैडम, हम अपने लोगों के अपने परिवार के दुश्मन बन रहे हैं, जो सरकारें अपने को गाइडलाइन बताती है हम उसका फॉलो नहीं करते, जो मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंस है, ये चीज़ हमको बोलती है लेकिन हम केयरलेस बन रहे हैं। तो हम चाहते, भगवान से प्रार्थना चाहते हैं कि उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए जो ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे या गवर्नमेंट का गाइडलाइन वापर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दीजिए भाई, ये कोरोना महामारी से छुटकारा मिले हमें, और ये महामारी नागपुर के पूरे देश से निकल जाए, और उसके लिए जो नियम दिए गए हैं उसे फॉलो किया जाए। आप फॉलो करते हो? हाँ, रेगुलर जैसे यानी हाथ वगैरह धोना, हाथ यानी कहीं पे जाओ तो हाथ मुंह धोना, बाहर से आओ तो भी हाथ मुंह धोना, और मास्क पहनना, और जो भी उसमें नियम दिए हुए हैं सब हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सेव रहेंगे तभी हम दूसरों को सेव कर पाएंगे। बिल्कुल। जब हम ही सेव नहीं तो दूसरों को क्या देंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात कही आपने। हम लोग खुद ही वो नियम पालेंगे नहीं तो दूसरे हम लोग से क्या सीखेंगे, जब हम सीखेंगे तभी हम किसी को बोलेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। और आज की कोरोना में आज दो साल हो गए, मुझे एक बुखार तक नहीं हुआ है, कुछ भी एक भी बीमारी मुझे नहीं हुई है। क्यों? आप ऐसे ही रहे, आप स्वस्थ रहे, और आपके साथ सभी लोग स्वस्थ रहे, ये हमारी भी अपील है, बस सुरक्षित रहे। प्लानिंग्स कुछ नहीं मैम, पर सबसे पहली बात तो ये सब पूरा कोरोना जो है वो सब, यानी पापा से यही विनती है आज हमारी कि यानी पूरे देश से यानी कोरोना जाना चाहिए, और बस बाकी कुछ नहीं। पापा से आज क्या मनोकामनाएं की आपने? वही कि यानी देश में सबसे जैसे यानी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो हमारी यानी जैसे शुरुआत में थी उसी टाइप से यानी सब चलने दो, और सब अच्छा होना चाहिए, बस इतना ही उम्मीद है कि सब अच्छा हो जाए, नए साल की शुरुआत अच्छी जाए, यही भी भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं हम। क्या प्लानिंग से आपकी, क्या किस नज़रिए से देखते हो आप ये साल को? ये साल अच्छा जाए यही हमारी इच्छा है, यही देखते हैं कि थोड़ा सब अच्छा हो जाए, बाकी तो सब ठीक ही है, हो गया सब, तबीयत पानी अच्छी रहे बाकी सब ठीक ही हो जाए। कोविड के अलावा आपने मनोकामना में कुछ मांगा नहीं कि कोविड चले जाने के साथ साथ मेरा भी कुछ भला हो जाए?
नहीं ऐसा नहीं, कोविड चला जाए सभी चाहते हैं, पर हो गया कुछ हमारा भी भला हो जाए कोविड के साथ साथ। ये तो हमारे लिए बहुत प्राउडेबल मोमेंट है कि हमारा कल्चर जो इंडियन कल्चर है वो हमारे लिए आज भी जीवित है। बिकॉज कैसा कि पार्टी ये एक अलग विषय हो गया, और ये जो हम लोगों को फैमिली ने आंसर किया हुआ है कि बाहर की चीज़ें भी आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने घर वालों की दी हुई चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए जो फर्स्ट डे रहेगा वही एवरीडे आपके लिए हमेशा स्टार्टअप रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका भी पालन करना हमें काफ़ी ज़रूरी है, तो आपने मास्क नहीं वेयर किया है? मैंने अभी जस्ट किया था, बट कह रहा कि हम लोग सेल्फी ले रहे थे, दैट्स व्हाई मैं अभी जस्ट निकाला। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहोगे? आपने पापा से क्या मनोकामना की है? हमने तो बस अपना करियर के लिए पूछा है, करियर के लिए बस बोला है कि हमारा करियर बस आगे बन जाए अच्छा, ये साल में हम भर्ती पे लगने चाहिए बस। सो आप मनोकामना में कोविड का बोल रहे हो, तो आप कोविड को क्या मैसेज देना चाहते हो? कोविड के लिए बस इतना बोलना चाहती हूँ कि सब सेफ रहे और मास्क वेयर करें, और दस कदम की दूरी बनाए रखे बस। ये साल अच्छा है, अपनी उम्र अच्छी जाए, बच्चों का भविष्य अच्छा जाए, उसके लिए भी किए हमने प्रार्थना करना जरूरी है। बच्चों की अभी पढ़ाई भी लिखाई उसके लिए भी किए प्रार्थना, बच्चों के लिए भी अच्छा। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है वो करना जरूरी है। आप मास्क नहीं लगाए हो आंटी? अभी फोन सेल्फी खींचना था ना, इसलिए मैंने मास्क निकल के रखे। बहुत बढ़िया लग रहा है मंदिर आके, बहुत अच्छा। कोरोना मुक्त हो और अच्छा हमारा साल जाए और शुभ लाभ हो। ये साल को किस नजरिए से देखते हो आप? बढ़िया एकदम, अभी कोरोना पूरा खत्म हो गया, अभी सब धंधे पानी चालू हो जाएगी। बढ़िया, कोविड खत्म हो गया है? हाँ, लेकिन कम हो गया, बहुत कम हो गया है। कल 90 पेशेंट सामने आए हैं कोविड के, इस पर क्या कहना? वो तो लापरवाही है ना उनकी, सेफ रहना चाहिए बस, हो गया। अपने सेफ्टी के लिए अच्छे रहो बस, सैनिटाइजर का उपयोग करो, मास्क लगाओ, तभी तो कुछ नहीं होगा ना मैडम। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा आया है जो कुछ बोलना चाहता है, बोलो। मैं गणपति बापा से यही बोलूँगा कि स्कूल चालू होनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई में इतना नहीं समझता, स्कूल चालू होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं ये छोटे बच्चों की स्कूल चालू होनी चाहिए और कोविड ख़त्म होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सुन के कि बच्चों को जो है घर में अब मन नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर पर, बच्चों के बचपने पर उसका असर पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि एक मासूम सा बच्चा काफ़ी समझदारी वाली बात भी कर रहा है यहाँ। काफ़ी जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जब स्कूल शुरू होती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि स्कूल शुरू ना हो, लेकिन बच्चा चाहता है अब कि स्कूल शुरू हो और उसकी पहले की ज़िंदगी जो है वापस आ जाए। तो हम भी पापा से यही मनोकामना करते हैं कि गणपति पापा ये साल जो है काफ़ी खुशमय हो, काफ़ी आनंदमय हो, और जितने भी विघ्न है कोविड नाम के वो सारे आप लेकर जाओ और उसको डुबा दो कहीं। हम यही चाहेंगे कि गणपति बापा विघ्न हरता है तो ये कोविड वाला विघ्न हरे, ताकि दुनिया वापस अपने रास्ते फिर से चल सके। और आप क्या कहना चाहते? मैं बस बप्पा के चरणों में यही विनती करने आया हूँ कि कोरोना का प्रभाव अभी भी गया नहीं है, तो धीरे धीरे ये प्रभाव कम हो जाना चाहिए, कोरोना हमारे देश से चले जाना चाहिए और लोगों को फिर से वही सुख शांति समृद्धि जीवन वापस इस देश में, इस गांव में, इस नागपुर शहर में मिलना चाहिए। ये साल का फर्स्ट डे है, सो बापा की ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही। सो ये साल का फर्स्ट डे है तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बाहर जाने से अच्छा पहले दर्शन कर लेना अच्छा होता है। नागपुर वासियों का पहले सेंटर मंदिर पड़ता है हमेशा, सभी लोग न्यू ईयर में सोचते हैं कि आने मिले यहाँ पे। ऊपर से अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, तो इतना अच्छा मंदिर और बनने वाला है, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर देट। नहीं बोलना। कोविड के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, कोविड की तो बढ़ी रहा है, पर उसी के साथ साथ हम लोगों को रूल्स फॉलो करना, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, साथ साथ उसके रूल्स फॉलो करना चाहिए और सबने मीन्स फॉलो करना चाहिए, और यहाँ पे बड़े पर्टिकुलर टाइप से दर्शन करना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए न्यू ईयर, ताकि लॉकडाउन की जो सिचुएशन है फिर से ना क्रिएट हो। हम लोग ने बाबा को ये मांगा कि सब लोग को सुख शांति दे और सभी को अच्छा रखे, और हम उड़ीसा से है तो नागपुर में जॉब करते हैं, तो हम लोग दर्शन के लिए हर साल आते हैं न्यू ईयर में। 2022 को अच्छा से करना है ना? नहीं, 2022 को ये साल आप कैसे, क्या किस नज़रिए से देखना चाहोगे? अच्छा देखना चाहिए, कोरोना 2-3 साल हो गया ना, कोरोना लोग सब लोग कितना परेशान होते, तो इस साल में अच्छा कोरोना को हटा दो तो अच्छा लगा है। भगवान गणपति बाबा, जय जय गणपति बाबा। बस यही मनोकामना की है कि कोरोना से जल्दी निजात मिले और सभी लोग निरोगी रहे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे पहले खुशहाल था वैसे हो जाए बस।
जय गणपति बप्पा की। सर आप जो नए साल की शुरुआत है, आपने बापा से क्या मनोकामना की और इस साल को आप किस नज़रिए से देखना चाहोगे? ये साल अच्छा जाना चाहिए और कोविड से बप्पा बचाएंगे, सबके लिए हम लोग ने वही आशीर्वाद मांगा। मैंने यही मनोकामना की है कि कोरोना अभी इस साल आना नहीं चाहिए, इस साल जो ओमिक्रॉन चल रहा है वो इतना पावरफुल होना नहीं चाहिए और सभी भक्तजन अच्छे रहने चाहिए बस। लेकिन लोग कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का जो है पालन नहीं करते, कोविड प्रोटोकॉल का, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मास्क लगाइए और सेफ रहिए। दिन की शुरुआत और नए साल की शुरुआत काफ़ी धार्मिक तरीके से हमने की है। हम आज मौजूद है गणेश टेकड़ी, नागपुर का जो जाना माना मंदिर है, काफ़ी जाना माना मान्यता है इस मंदिर की, तो हम आज नए साल की शुरुआत करने यहाँ पहुँचे हुए हैं गणेश टेकड़ी में और दर्शकों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनके नए साल की शुरुआत की है। कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का काफ़ी अच्छे तरीके से पालन भी किया जा रहा है और हमारी पूरी VKB टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को नए साल की, नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम कहीं ना कहीं यही अपील करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का नियम जो है कोविड प्रोटोकॉल का अच्छे तरीके से पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क तथा सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें पूरे तरीके से। कोविड को इस साल हमें हराना ही है और कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी से, इस दुनिया से भगाना है, तो उसमें आप सभी का सहयोग काफ़ी ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जोया खान, नागपुर।